तो आज बात करते हैं वेदांता रिसोर्सेज के बारे में। तो वेदांता रिसोर्सेज एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज फॉरेन करेंसी बॉन्ड से जुटाएगी $1 अरब। लेंडर से बातचीत शुरू हो चुकी है। तो मेटल और माइनिंग सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज PSE ने विदेशी बॉन्ड के जरिए $1 अरब जुटाने के लिए लेंडर से साथ बातचीत शुरू कर दी है। तो पता चला है कि वेदांता समूह 2026 में विचोर होने वाले $60 करोड़ तक के बॉन्ड को रीफाइनेंस करने की तैयारी में है। साथ ही समूह का कुछ मौजूदा और नए कारोबारों में इक्विटी निवेश के लिए नया फंड जुटाने की भी योजना बना रही है। वेदांता रिसोर्सेज ने हाल के महीने में भारत में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचकर करीब $2 अरब के अधिक फंड जुड़ाए हैं। हालांकि इसने अपने स्टील कारोबार को बेचने की योजना को टाल दिया है। मामले की जानकारी के लिए एक व्यक्ति ने कहा है, हिस्सेदारी बिक्री के बाद समूह की लिक्विडिटी पोजीशन में काफ़ी सुधार हुआ और लेंडर्स को इसे नया कर्ज देने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। जुलाई में वेदांता लिमिटेड ने क्वालिफाइड QIP के माध्यम से ₹8500 करोड़ जुटाने थे। कंपनी ने इसमें से ऑक्टी कैपिटल, डायचे बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज आंशिक या पूरी तरह से चुकाने के लिए ₹6375 करोड़ का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। 25 जून तक कंपनी पर ऑक्ट्री, दायचे और UBI का ₹17,00,000 बकाया था। जून की शुरुआत में वेदांता समूह की एक एंटिटी फाइनेंस फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने आज अपने कर्ज को कम करने के लिए ₹4,184 करोड़ जुटाने के लगभग 9.8 करोड़ शेयर बेचे हैं। फरवरी में इसी प्रमोटर एंटिटी ने ₹1,737 करोड़ जुटाने के लिए एक ब्लॉक डील में लगभग 6.5 करोड़ जो शेयर थे वो बेचे थे। अगस्त में वेदांता लिमिटेड ने ऑफर फॉर सेल के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के करीब ₹65 करोड़ के शेयर बेचे हैं। अपनी नई वार्षिक रिपोर्ट में वेदांता ने कहा कि उसकी UK स्थित प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज अगले 3 वर्षों में अपने कर्ज को $3 अरब कम करने की कोशिश करेगी। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न कारोबारों के अलग करने के प्रस्ताव से कंपनी एसेट मैनेजमेंट से एसेट ऑनर बनेगी।